Welcome to News TV 99. हाई स्कूल में यहाँ पर साइबराबाद पुलिस डिपार्टमेंट राजेंद्रनगर के एसपी साहब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और के हॉस्पिटल की तरफ से इस्लाह स्कूल वाले ये कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई ऐसी बस्ती में और यहाँ पर खासतौर से नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके हेल्थ के लिए सोचते हुए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। और जैसा कि हमारे एसीपी साहब ने बताया कि भाई ऐसे और कैंप भी यहाँ पर ज़रूरत है, पब्लिक को बेनिफिट होना ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था 40 साल की उम्र में आने के बाद और ख़ास तौर से आजकल का जो कल्चर हो गया है, माहौल हो गया है, रात में देर से सोना, देर तक फंक्शन अटेंड करना, बाहर के जंक फूड खाना, हेल्थी डाइट नहीं मेंटेन करना, सही गिज़ा नहीं मिलना, ये तमाम चीज़ों की वजह से आजकल बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और माँ बाप कई बड़े लोग भी बीमार पड़ रहे हैं।
उसके लिए चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और आजकल मेडिकल खासतौर से बहुत महंगा हो गया है, और ऐसी जगहों पर जहां पर लोगों को सहूलत नहीं मिलती, और खासतौर से वैसी जगहों पर हमारे पास साइबराबाद पुलिस और खासतौर से राजेंद्रनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के राजेंद्रनगर के जो ACP साहब, पुलिस डिपार्टमेंट मैलादेपल्ली के और तमाम जो पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। यहाँ के स्कूल के जो फाउंडर चेयरमैन मखदूम साहब है, जो बहुत ही अच्छा स्कूल चला रहे हैं, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है, ऐसे कई कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा हाफिज़। ACP राजेंद्रनगर चक्रवर्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें मौका दिए और परमिशन दिए, और देर हॉस्पिटल और अपार क्लिनिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोशिश करें। यहाँ पे हमारा मकसद यही है कि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना काफ़ी हमारा अच्छा सपोर्ट करते हैं मुकाम रहे, और ACP साहब भी और मतलब इंस्पेक्टर साहब भी, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम उम्मीद करते हैं कि कैंप जो होगा एक्टिविटी कैंप होंगे, इंशाल्लाह एक पढ़ने के तौर से भी हम लोग 16 और 17 बना रहे हैं सर, जिसमें हम आपको इन्वाइट करेंगे। ये मकसद ये है कि बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करके स्पोर्ट्स के लिए कुछ एक्टिविटीज कराना है। तो मैं मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कैंप को सक्सेस करने में हमारी मदद की, शुक्रिया। पहले तरफ से और राजेंद्रनगर डिवीजन पुलिस तरफ से, CI महिला डिपेली तरफ से, इस्लाह स्टूडेंट्स जो एग्जाम लेने जा रहे हैं 16 तारीख से, उसको एडवांस में उनको बेस्ट विशेष दे रहे हैं। हम विश करते हैं कि बच्चे टॉप से टॉप ग्रेड ऑब्टेन करें, तो हमारा नाम भी इस्लाह स्कूल का नाम ऊँचा रहेगा और हमारा नाम भी ऊँचा रहेगा। आज इस्लाह स्कूल में मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, हमारे कॉर्पोरेटर साहब जो प्रमिनेंट हमारे लीडर हैं एरिया के, उनके साथ में CR हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेशन भी मेडिकल कैंप इनॉग्रेशन हुआ इस्लाह स्कूल में। इस कैंप में पूरे पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को और आजू बाजू में जो भी लोग रहे थे, उनके लिए भी ये कैंप ऑर्गेनाइजेशन हुआ। कैंप में पूरे फैसिलिटीज हैं, जो जनरल चेकअप है वो चेकअप के बाद जो भी ट्रीटमेंट हुई जरूरत रहेंगी और उनको ट्रीटमेंट भी करने का केयर ऑफ फंड वाले अंडरटेक करें, छोटे छोटे जो भी रहेंगे उसके लिए ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। ये कैंप 2 बजे तक चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि मखदूम साहब ऐसे कैंप को साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करें, जाके पूरे पेरेंट्स को ये फैसिलिटी मिले और आजू बाजू लोगों को भी ये फैसिलिटी मिले और लोगों का सेहत अच्छा हो, पूरे सेहतमंद हो। थैंक यू मैडम। भाई कॉर्पोरेटर साहब शास्त्रीपुरम के जो डिप्टी मेयर बनने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज, लड़कियों की तालीम का मियारी मरकज, जहां बहुत ही उम्दा माहौल में तालीम दी जाती है। हाईली ट्रेन फैकल्टी की जेर निगरानी CEC, MEC, MPC, BIPC कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। मुकम्मल अंग्रेजी माहौल और तालीम के अलावा एडुकेशनल फील्ड ट्रिप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की सहूलत के साथ मुसलसिल 4 साल से लगातार 100% कामयाब नतायज, दाखिले जारी हैं। आज ही तशरीफ लाइए अपने लड़कियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आपका अपना इदारा खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज। मजीद तफसीलात के लिए DRDL रोड बाबा नगर और तारबंद रोड नज अनस मॉडल हाई स्कूल।